जनपद संभल के चंदोसी में नगर पालिका परिषद ने वेडिंग जोन तैयार कर सड़क किनारे दुकान लगाने वाले दुकानदारों से वेडिंग जोन में दुकानें लगाने की अपील की। जनपद संभल की चंदोसी नगर पालिका परिषद ने जलकल विभाग के सामने वेडिंग जोन तैयार किया है, जिसमें स्टेशन रोड पर सड़क किनारे दुकान लगाने वाले दुकानदारों से वेडिंग जोन में दुकान लगाने की नगर पालिका परिषद ने अपील की है। इस विषय में नगर पालिका परिषद की सैनिटरी इंस्पेक्टर प्रियंका सिंह ने कहा कि शहर के लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए वेडिंग जोन तैयार किया गया है, जिसमें दुकान लगाने वाले दुकानदारों को बिजली पानी की सुविधा नगर पालिका परिषद की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं एक दुकानदार ने कहा कि कुछ दुकानदार अभी भी वही दुकान लगा रहे हैं, यदि वे वही दुकान लगाएंगे तो हम भी वापस वहीं चले जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, अभी मान लो जैसे बाहर काम चल रहा था, वो काम तो अभी नहीं है यहाँ पर, ये कि थोड़ा हल्का है और क्या नाम है, जो है काम तो है ही नहीं बिल्कुल, पर 15 दिन महीना दुकान लग सकते हैं, काम हो जाएगा सही, ऐसी कोई बात नहीं है, जब माल सब आए यहाँ लोग आ जाएं। पर दिक्कत यही है कि मान लो हम 8-10 जने यहाँ लगा रहे हैं, 8-10 जने बाहर लगा रहे हैं, तो उससे दिक्कत आ जाती है, या तो वो अंदर वाले बाहर वाले अंदर आ जाएं, या अंदर वाले बाहर पहुँच जाएं, दोनों में से एक काम हो जाए, या तो हम वहाँ पहुँच जाएं। अब मान लो हम यहाँ लगाएं और बाहर वाले कहना में कमाई करें, तो वो भी सही नहीं है, काम दोनों में से एक होना चाहिए। एक मैडम आई थी, उन्होंने आश्वासन भी दिया था हमें कि मैं यहाँ पे लाइट वाइट लगवा दूंगी और सब काम करवा दूंगी, यहाँ सही हो जाएगा आपका, मैं आपको भरोसा देती हूँ, और DM साहब आएंगे और क्या नाम है यहाँ का उद्घाटन भी करेंगे, वो आश्वासन दे गई है हमें, तो हम उनकी बात से सहमत हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, हौले हौले काम हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, 10 दिन में 15 दिन में जम जाएगा काम। पर ये है कि बस दिक्कत यही है कि या तो सारे के सारे टोटल यहाँ आ जाएँ, या फिर सारे यहाँ साहब बाहर पहुँच जाएँ, हमारा कहने का मतलब ये है, दुकानदारी जब भी जमेगी उससे पहले दुकानदारी नहीं जमेगी। ऐसा है कि देखिए, नगर पालिका ने वेंडिंग जोन बनाया ही इसीलिए है कि ताकि जितने फुटपाथ में जो लोग दुकानें लगा रहे हैं उनको एक प्रॉपर जगह मिल सके, क्योंकि जितना अतिक्रमण इंक्रोचमेंट यहाँ बढ़ता चला जा रहा था कि पहले 10 दुकानें थी, आज 20 दुकानें हैं और बढ़ती ही चली जा रही हैं, और जिससे आवागमन में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रॉपर इसलिए वेंडिंग जोन बनाया गया है कि ताकि वहाँ पे प्रॉपर इनको व्यवस्थाएं दी जाएँ, और जैसे अभी काफ़ी हद तक दिख रहे हैं अब साफ भी हो गई हैं, और जो आगे लोग लगा रहे हैं उनसे भी कहा जा रहा है कि आप लोग भी वहीं पहुँचे, और नगर पालिका निरंतर प्रयास कर रही है कि इन सबको प्रॉपर वहीं भेजा जाएगा, और हो सकता है यहाँ वापस तो नहीं आने की तैयारी है, क्योंकि वहाँ पे हम इतनी फैसिलिटीज़ दे देंगे कि ये लोग कल को खुद वहाँ से नहीं जाना चाहेंगे कि हम वहाँ जाकर के फुटपाथ में लगाएं, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है, आपने देखा यूरिनल बन ही चुका है हमारा, उसको प्रॉपर चले, और इसका भी हो सकता है कि बहुत जल्दी हम DM साहब या नोडल को किसी भी अच्छे उच्च अधिकारी से इसका इनॉग्रेशन कराएंगे, और माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी इनको आश्वासन दिया है कि यहाँ पे प्रॉपर लाइट और उनको जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए हम उनकी व्यवस्थाएँ देंगे, और अच्छे इवेंट्स भी कराएंगे जिससे कि ये चंदौसी का प्रॉपर एक वेंडिंग जोन बन सके, और अच्छा प्रयास है। कैसे हुआ आपने जो वेंडिंग जोन बनाया है, आपकी जो मेहनत सफल हुई है, क्योंकि ऐसा लोगों को जो वेंडिंग की दुकानें लोग लगाते थे वहाँ जाम की स्थिति बनी रहती, और बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रैफिक ऐसे परेशानी होती थी, और आज वहाँ पर ट्रैफिक बहुत बढ़िया है, और आपने जो नया वेंडिंग जोन बनाया है और वहाँ पर दुकानें लग चुकी हैं, तो उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले सबको नमस्कार, सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने शहर के बारे में, हम इतने दिन से प्रयासरत थे कि वेंडिंग जोन इसलिए बनाया कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना यही है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का सपना यही है कि किसी भी गरीब जो अभावों की ज़िंदगी जीते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, छोटा मोटा व्यापार करते हैं, ठेले खोमचे, इनका जीवन जो है बहुत कष्टमय होता है, तो हम उनको किसी तरह का कष्ट नहीं देना चाहते, इसलिए हमने पहले उनकी व्यवस्था की कि शहर के आम जनता को और किसी को दिक्कत ना हो, जो जाम की स्थिति बनी रहती है, लोग आने जाने में पैदल जाने में परेशान है, अधिकारी कोई आ जाए तो गाड़ी नहीं निकल पाती, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इन सबको देखते हुए हमने उनके लिए वेंडिंग जोन बनाया, ताकि पीछे बहुत चौड़ा रोड बनाया, हमने काफ़ी प्रयास करके वो व्यवस्था की है, वहाँ शौचालय भी यूरिनल भी बनवाया है, ताकि वहाँ के लोगों को दिक्कत ना हो, हम आग्रहपूर्वक उनसे कई बार मीटिंग कर चुके हैं, आग्रहपूर्वक हमने कहा है कि वहाँ लगाएं, और बड़े बड़े शहरों में देखिए चाट मार्केट ये वेंडिंग जोन अलग होता है, तो हमारा चंदौसी भी ऐसा ही डेवलप करे, आगे बढ़े और साफ सुथरा दिखे, इसलिए उनको ध्यान उनकी ज़रूरतों को आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमने वो व्यवस्था की है, तो आज चले गए, अच्छी बात है, उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ, मैं सबसे पहले जाऊँगी वहाँ पर उनसे मिलने जाऊँगी, और चाट पकौड़ी ठेला कपड़े वाले सबका अपना अपना हम अलाटमेंट भी कर देंगे, उनको कोई असुविधा नहीं होगी, और जब आदमी को पता लगता है आदमी को पहुँचता है,
और उनको हम चाट पकौड़े वालों को भी डस्टबिन एक देंगे, एक एक डस्टबिन देंगे ताकि वो कूड़ा यहाँ वहाँ ना फेंके, डस्टबिन रखें। हमारा शहर है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है हम उसको साफ सुथरा रखें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आप सबने सहयोग किया, आप सबके सहयोग की वजह से हमारा चंदौसी 20वें स्थान पर आया उत्तर प्रदेश में। तो उसमें आप सबका सहयोग है, मीडिया बंधुओं का बहुत सहयोग है आपका, और जनता का सहयोग है। ये वेंडर्स भी हमारे भाई बंधु, हमारे परिवार के से जुड़े हुए परिवार की तरह, ये इन सबका भी सहयोग चाहिए, इनकी सबकी चिंता हमें करनी है। इन सबको कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, हम उनके सुख दुख में खड़े हैं हमेशा के लिए। देखिए, लाइट की व्यवस्था कर, उनको रोड चौड़ा बना दिया, चौड़ा जगह है, आराम से वो अपना ठेला लगा सकती हैं और टांगने के लिए लगा सकते हैं। उनके लिए हम डस्टबिन दे देंगे, तो डस्टबिन, बड़े डस्टबिन उनको उपलब्ध करा देंगे ताकि वो कूड़ा अपना जो भी पत्ते धोने वो कूड़ा डस्टबिन में डालेंगे। और लाइट की सुविधा हम देने वाले हैं, लाइट भी प्रॉपर वहाँ पर रहेगी ताकि कोई दिक्कत ना हो उनको। कैमराज लगा देंगे, और जैसा वो वहाँ समय पर, जिस समय पर उनको कोई असुविधा होगी तो बताएं, वो हम उनके लिए पूरी सुविधा का लगाने करने का प्रयास करेंगे।